नमस्कार दोस्तों, कोरोना का कहर तो एक तरीके से थम गया है, लेकिन डेंगू और जीका वायरस को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही हैं। हम सब जानते हैं कि जीका वायरस, डेंगू, चिकनगुनिया ये मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं, और ये साफ पानी में जो जहां मच्छर पनपते हैं, दिन के समय काटते हैं तो ये रोग होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फाइलेरिया भी एक ऐसा बहुत गंभीर मर्ज है जिसको लेकर के 22 नवंबर से लखनऊ में एक बड़ा अभियान चलने जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ में सीफार संस्था द्वारा इसको लेकर के एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें योगेश रघुवंशी मौजूद थे जो जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी हैं। उनके साथ डॉक्टर तनुज थे जो SCNTD WHO उत्तर प्रदेश के हैं, और साथ में डॉक्टर KP त्रिपाठी नोडल अधिकारी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये लोग मौजूद थे और PCI के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। बाकायदा बताया गया कि किस तरीके से ये अभियान चलेगा और दवाई लेकर के हजारों कार्यकर्ता आपके घर तक पहुंचेंगे और आपको दवाई खिला करके ही आएंगे। तो सरकार और संस्था की तरफ से ये एक बड़ा सुंदर प्रयास किया गया है, लेकिन हम सब की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि जब ऐसे आशा कार्यकर्ता और इस तरीके के लोग जब हमारे घर पर आएँ तो हम उस दवा को जरूर इस्तेमाल करें और फाइलेरिया से हम अपना बचाव करें, क्योंकि दवाई ही एकमात्र साधन है। हालांकि बहुत बड़ी ये बात नहीं है, लेकिन शुरुआत में नहीं चूंकि इसका पता चलता और बाद में इसके लक्षण आते हैं, इसको लेकर के एक नुक्कड़ नाटक भी यहां पर किया गया। कुल मिलाकर के संस्था द्वारा और सरकार द्वारा पूरी तरीके से जागरूकता फैलाई जा रही है कि आसपास पानी ना जमा होने दें, मच्छरदानी लगाएं, और किसी भी तरीके से हमको डेंगू, जीका वायरस हो, चिकनगुनिया हो या फिर फाइलेरिया हो, इससे हमको बच के ही रहना है। तो सरकार के साथ साथ हमको खुद को स्वस्थ रखने के लिए भी जागरूकता बहुत। दोस्तों, इस अभियान को लेकर के डॉक्टर KP त्रिपाठी से नेशनल वॉच ने एक खास बातचीत करी। सुबह 11 बजे से ये अभियान चलेगा शाम को 5 बजे तक, और सबसे खास बात ये है कि खाली पेट की दवा नहीं खानी है, 2 साल से जो नीचे उम्र के बच्चे हैं उनको ये दवा नहीं खानी है, और साथ ही गर्भवती महिलाओं को ये दवा नहीं खानी है। तो कुल मिला करके कैसे ना कैसे करके आपको मच्छरों को पनपने से रोकना है, फाइलेरिया को रोकना है। तो आइए डॉक्टर KP त्रिपाठी से बात करके जानते हैं कि किस प्रकार ये अभियान चलेगा। और दोस्तों, हाँ, कई बार ये शिकायत भी आती है कि दवा खाने के बाद कुछ लक्षण पैदा होते हैं, किसी को बुखार आता है या कुछ अन्य तरीके के सिम्टम्स आते हैं, तो उसको लेकर के भी जो कार्यकर्ता आपके घर पहुंचेंगे वो नंबर आपके पास होगा, तो कोई भी तकलीफ आपको दवा खाने के बाद आती है तो आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सर, जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से 22 नवंबर से फाइलेरिया को लेकर के एक बड़ा अभियान शुरू किया है, तो किस तरीके से ये अभियान चलेगा? देखिए, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि 22 तारीख से लेकर के अगले 7 दिसंबर तक एक फाइलेरिया के लेकर के एक बृहद प्रोग्राम हम लोग के लखनऊ जनपद में चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर उद्देश्य हमारा ये है कि हर 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों तक फाइलेरिया की दवा, जो कि DEC और एल्बेंडाजॉल की है, हमारी करीब 7,200 करीब हमारे फाइलेरिया के ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं करीब, जो वो दवा हर घर तक पहुँचाएंगे, और हर घर तक दवा पहुँचाने के साथ ही अपने सामने ही उस दवा को खिलाएंगे भी। तो इस प्रयास में एक बड़ा सा प्रयास है जिसके अंदर 2 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जाएगी, एल्बेंडाजॉल और DEC, जिससे कि लखनऊ को फाइलेरिया मुक्त बनाया जा सके। जी सर, जैसा आपने बताया कि प्रोग्राम सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा, तो जो पुरुष आबादी है वो ज़्यादातर लोग काम पे निकल जाते हैं, उनको कैसे कवर किया जाए? देखिए, जो इसमें सिस्टम ये बनाया गया है कि जो आपकी आबादी, जो आपने वैसे पूछा कि कोई ऐसे लोग हैं जो काम पे निकल गया, किसी कारण से दवा नहीं खा पाए जब पहले टीम हमारी पहुंची, तो ऐसे लोगों को जहां पे टीम हमारी सुबह दवा नहीं खिला पाएगी, ऐसे व्यक्तियों को जहां तक दो फिर सुबह शाम को भी हमारी टीम एक बार उनको अप्रोच करेगी ताकि दवा उनको भी खिलाई जा सके जो कि किन्हीं कारण से दवा खाने से वंचित रह गए। लेकिन उद्देश्य हमेशा पूरे प्रोग्राम का ये रहेगा, किसी भी समय दवा हम वितरित नहीं करेंगे, दवाओं को खिलाएंगे अपने सामने। सर, कई बार ऐसी भ्रांति रहती है कि दवा खाने के बाद कुछ तबीयत खराब हो रही है, ऐसी स्थिति में जिनकी तबीयत खराब होती है वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं और कैसे उपचार? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि इसमें दवा खाने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, जैसे मितली है, हल्का चक्कर आता है,
उसमें हमारा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे जो दवा लेकर के जाएंगे, वो दवा देने के साथ ही अपना पता, अपना मोबाइल नंबर भी देंगे साथ में, और RRT का भी नंबर उपलब्ध कराएंगे कि अगर किसी भी कोई भी तकलीफ होती है तो स्थानीय RRT द्वारा, रैपिड रिस्पांस टीम के द्वारा, जिसमें कि हर रैपिड रिस्पांस टीम में एक डॉक्टर होगा, इस तरह की सभी समस्याओं को एड्रेस करेगा वो। सर, लखनऊ वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लखनऊ की जनता से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारा 22 तारीख से होने वाला अभियान है, इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जो दवाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं वो ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, सेफ हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के उन दवाओं का सेवन करें, जिससे कि आप खुद भी, स्वयं भी फाइलेरिया की बीमारी से बचाव कर सकें, अपने समाज को भी बचा सकें और अपने परिवार को भी बचा सकें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।